नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु सुचरिता। क्रीडा भित्तिभूमि रे ओडिसार विकास निश्चिंत रूप से आखिदृशिया। खाली सेतिकि नहि, ओडिसा रे क्रीडा पर्यटन भी बढ़ी चलिछि। स्पोर्ट्स टूरिज्म बा क्रीडा पर्यटन हेउछि पर्यटन रे एमिति एक रूप जेउथिरे पर्यटक माने कोनोसी प्रतिद्वंदितामूलक क्रीडा प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिबा देखिबा अथवा यार विभिन्न व्यावसायिक और अणव्यावसायिक कार्यकलाप सामिल होगापी एक निर्दिष्ट स्थानरु यात्रा करि थांती। यह साधारणत दुईटी भागरे विभक्त, हार्ड स्पोर्ट्स टूरिज्म और सॉफ्ट स्पोर्ट्स टूरिज्म। कौनसी एक निर्दिष्ट जातीय किंवा अंतर्जातीय क्रीड़ा जथा ओलंपिक्स, क्रिकेट विश्वकप, फुटबॉल विश्वकप, हॉकी विश्वकप, फॉर्मूला 1 रेस, खेलो इंडिया क्रीड़ा और जातीय क्रीड़ा आदि लागि गोटे देशर अन्य देश किंबा गोटे राज्यर अन्य राज्य को पर्यटक माने यात्रा करने को हार्ड स्पोर्ट्स टूरिज्म कहा। अन्य पक्ष रे गल्फ हाइकिंग, कानोइंग भली सौखीन श्रेणीर प्रतियोगिता लागि आसुथिबा पर्यटक को सॉफ्ट स्पोर्ट्स टूरिज्म श्रेणीभुक्त करा जाय थाय। सेही भली पहाड़ चढ़ा, कैंपिंग आदि को आउ एक वर्ग को दुस्साहसिक क्रीड़ा पर्यटन आख्या भी मिलता है। ओडिशा रे मध्य एहार पर्याप्त सुजोग रही। क्रीड़ा पर्यटन एक नुआ चिंताधारा होइथिले मध्य ओडिशा रे एहार आकार व्यापक हेबार समस्त भित्तिभूमि अछि। बहुमुखी सुविधा पई उच्च प्रशंसित कलिंग हॉकी स्टेडियम, राउरकेला रे विश्वर सर्वबृहत बिरसा मुंडा अंतर्जातीय हॉकी स्टेडियम, भुवनेश्वर रे भारतर प्रथम और दक्षिण एशियार सर्वबृहत इंडोर स्टेडियम, कटकर ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम रे विश्वस्तरीय संतरण हॉल, सबु जिल्ला रे मिनी स्टेडियम, 10 रो अधिक उच्च गुणवत्ता केन्द्र, क्रीड़ा विज्ञान केन्द्र आदि पई ओडिशा क्रीड़ाविद और क्रीड़ा को भल पाउथिबा प्रशंसकक पई प्रमुख पर्यटन स्थली पलटिथिबा दिगरे धीरे धीरे अग्रसर हेउछि। दुई दुई थर हॉकी विश्वकप, एशिय दौड़कूद जथा FIH प्रो लीग, AFC कप फुटबल तथा अगणति जातीय प्रतियोगिता आयोजन करी सारा विश्वरु प्रशंसा साउंटुथिबा ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर आज देशर क्रीड़ा कैपिटल मान्यता पाई। निकटने कलिंग स्टेडियम इंडोर आथलेटिक्स स्टेडियम उद्घाटनी उत्सव में जोगदेवा लगी भुवनेश्वर आसीथिबा सर्वभारतीय दौड़कूद संघ जथा AIFF सभापति आदिल सुमेरीवाला आगामी समय रे ओडिशा देशर प्रमुख क्रीड़ा पर्यटन केन्द्र में परिणत हेबो बोली भविष्यवाणी करि सारिछंती। एथिलागी से ओडिशार भित्तिभूमि, भौगोलिक स्थिति, सरकारी कलर इच्छा शक्ति तथा क्रीड़ा पई अहेतुक भल पाइबा को कारण भावे दर्शाइछंती। एहा द्वारा ओडिशा रे केवल क्रीड़ा किंबा तत्संपर्कित व्यवसाय नुहे, होटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, खाद्य, हस्तंत, हस्तशिल्पी सामग्री आदि व्यवसाय आशादित भाव में वृद्धि पावी आकलन करी। ओडिशा रे क्रीड़ा क्षेत्र लगी होता पुंजनिवेश प्रशंसा करी। आगामी समय रे यह राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि अन्यतम कारण हेबो। एथिलागी ओडिशा को आसुथिबा विदेशी और आभ्यंतरीय पर्यटकों संख्या जथेष्ट मात्रा रे बढ़िबो। एपरिकि ओडिशा एशिया महादेशर अन्यतम क्रीड़ा पर्यटन पर्यटनस्थली भाव में उभा हेबार जथेष्ट संभावना रही बोली पर्यटन शिल्प सह जड़ित जने व्यवसायी कहिसंती। क्रीड़ा प्रशंसक माने एही क्षेत्र रे मध्य निज निजर बलिष्ठ योगदान रखिबे। क्रिकेट रे इंग्लैंड रो बार्मी आर्मी भली भारत आर्मी एवं फुटबॉल रे जगरनट्स भली प्रशंसक क्लब एही क्षेत्र रे महत्वपूर्ण भूमिका तुलाइबा को जाउछंती। स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछि। नमस्कार।